नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भिवानी के गांव खड़क कला में 6 महीने पहले हुए 28 वर्षीय युवक के कत्ल के मामले में कार्रवाई न होने पर मृतक के वकील और परिवार वालों ने प्रेस क्लब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से बात करते हुए मृतक के चाचा प्रकाश ने सदर भिवानी थाने के SHO पर आरोपियों से पैसे लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस हत्या के बाद वह IG, DGP सभी से मिले, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले हुए इस हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिस कारण उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। हत्या के इतने महीने बीत जाने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित पंडित की रिपोर्ट। मेरे साथ जो भिवानी से आए हैं, जिनके बच्चे का मर्डर हो चुका है, 11 जो लोग थे जिन्होंने मर्डर किया है, 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उन्होंने ये मांग भी करी थी SHO साहब से, SHO साहब ने उनकी सुनवाई नहीं करी। उच्च अधिकारियों से भी मिल चुके हैं, तो इन्होंने SHO साहब का मुझे नंबर दिया है, तो मैं कैमरे के माध्यम से अपने सहयोगी को कहूंगा वो दिखाए, मैं SHO साहब को फोन लगाया जाए। कैमरा जैन सर। सर पत्रकार अमित बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ प्रेस क्लब से। सर भिवानी से कुछ लोग आए हैं चंडीगढ़ प्रेस क्लब में, आज कॉन्फ्रेंस हुई है। सर इनकी मांग ये है कि SHO साहब ने हमारी सुनवाई नहीं करी। 11 लोग थे, सिर्फ 4 पकड़े हैं, 7 जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं खुलेआम, और इनको धमकी भी आ रही है। SHO साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सर इसमें क्या कहना है आपका? अगर मान लीजिए ना कोई इसमें धमकी दी है किसी जी, तो उनकी कंप्लेंट की है इसमें, इन्होंने कोई कंप्लेंट हो, कोई कंप्लेंट का प्रूफ हो, कोई ERV की कॉल हो, पहले 112 गई जी है? जी 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 जी, उनसे आप पूछो ये बात कि भाई कोई तुम्हारे पास जो भी किसी ने अगर उनको धमकी दी है उसमें कि तुम्हारे पास कोई रिपोर्टिंग या तुमने कोई ERV को कॉल की हो, धमकी की तुम्हारे किसी ने धमकी दी उसकी तुमने कंप्लेंट दी हो। सर ये कहते कि हमने कई बार बोला वहाँ पे थाने में जाके हमारी कोई स्वामी डर है, जो भी हमारी हेल्प करता है। मेरे से ना बिल्कुल भी मिले जी सर। 327 नंबर मुकदमा है जी, इसमें 4 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं जिन्होंने उसको मारा था। इसमें एक बंदा है जो वो फरार है जी, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं जी। सर इन्होंने 7 लोग बताए हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, जो इनके घर के चक्कर भी काट रहे हैं, इनको खुलेआम मतलब धमकी भी दे रहे हैं। यही बता रहे हैं सर, ये मेरे पास खड़े हैं, इन्होंने बताया कि SHO साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद बात करने के लिए। जैसा कि देखा कि हमने SHO साहब से बात कर ली है, SHO साहब ने देखा कि मीडिया का फोन आया है, मीडिया के नाम से उन्होंने कहा कि इनसे पूछो आप, ठीक है, अपनी सफाई में उन्होंने ये कहा कि इनसे पूछो कि जब अगर इनको धमकी दी है, इन्होंने DDR को कोई करवाई है, कोई मुझे कोई इत्तला दी है कि नहीं दी है, कि किसी आपने किसी अधिकारी को बताया वहाँ पर जो आपको धमकी आ रही है, जो आपके घर के बाहर लोग घूम रहे हैं, किसी को बताया मैडम आपने? SP साहब को बोला है, SP साहब को बोला है, खुद SHO को भी बोल के आए हैं सदर में जाके। अच्छा, जब बोला कि कोई ऐसा सबूत लेके आ कि तेरे को धमकी दे के जा रहे हैं, इन मैं सबूत कहाँ से लाऊं, मेरे को तो फोन चलाना भी नहीं आता। वो गाड़ दे गए हैं, डंडे बाठे मारे गए हैं घर का जी, वह रिपोर्ट मारी दर्ज नहीं, 112 बुलाई है हमने, 112 में हमारी तरफ से। मतलब जो ये अभी SHO साहब को फोन लगाया था, ये मतलब ये झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोला है ना, तुम्हारी 21 तारीख वाली दर्ज नहीं हुआ जी, 112 हमने बिठा के ले गई है, छोड़ के गई है घर पे, वो हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं। अच्छा, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही ना, चौकी में कोई दर्ज नहीं बताई हमने, DSP साहब तो बताई, SP साहब तो बताई हमने, ये सारी बात बताई। जैसे कि इनके घर वालों ने कहा कि हमने पूरे अधिकारी को बोली है, अभी ऑन कैमरा जो, ठीक है, आपने देखा भी, ठीक है, SHO साहब से बात हुई है, अपना पल्लू झाड़ गए हैं, तो आगे की कार्रवाई क्या चाहते हैं आप उच्च अधिकारियों से? हम उच्च अधिकारियों से न्याय सा वहाँ जी, हाँ जोड़ के न्याय सा वहाँ। पहली बात तो यह SHO पर हमारी फाइल जानी चाहिए, हमारी तफ्तीश। अच्छा, यही SHO साहब करें? ये SHO साहब नहीं करें, रोज तक
CIA से या क्राइम ब्रांच से हमारी तफ्तीश करवाई जाए जी। और हमने न्याय दवाया जाए, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा हम तो अधिकारियों से और CM साहब से PM साहब से हाथ जोड़ के यह रिक्वेस्ट करा हमने न्याय मिला जी। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।